तो अभी हम बाहर जा रहे हैं टेंपल को गणेश जी के, और वहाँ से और कहीं तो जाएंगे, दिखाता हूँ आगे। तो जैसे सुबह वॉकिंग करने निकले तो यहाँ पे एक अलग ही हवा है, और यहाँ सैंड है बहुत ज़्यादा, ये बीच की सैंड है, अच्छी है वैसे। तो हम पहुँच गए मंदिर में टेंपल गणेश जी के। तो ये है खूबसूरती कोकण मालवण की, यहाँ के टेंपल्स, हर एक किलोमीटर में एक टेंपल तो ज़रूर है, और यहाँ का माहौल और यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं। तो ये सुंदर सा टेंपल देखा हमने, गणेश जी की मूर्ति बनी है बहुत सुंदर, ये यहाँ का फेमस टेंपल है गणेश जी का। तो इसके बाद हम चल पड़े, हम जा रहे हैं राजकोट। टेंपल से लगभग 5 मिनट की दूरी पे है राजकोट फोर्ट। तो ये राजकोट फोर्ट जो है वो पूरी तरह से ब्रोकन था, इस तो मतलब बस कुछ रिमेंस बचे थे, तो इंडियन गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मिलके इसको रीबिल्ड किया है। और यहाँ पे हमको पोर्चुगीज का भी इन्फ्लुएंस दिखाई पड़ता है, ये रिसेंटली क्रिसमस था यहाँ पे। तो यहाँ जैसे हम फोर्ट के पास जाते हैं, ये फोर्ट रीबिल्ड किया गया है, और खुद माननीय नरेंद्र मोदी आए थे इसके इनॉग्रेशन पे, और यहाँ भव्य दिव्य छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू बनाया गया है। तो एक खास बात बता दूँ, शिवाजी महाराज हमारा मराठे एम्पायर के जो किंग थे, ये वॉज द ओनली पर्सन जिनने नेवी, इंडियन नेवी उस टाइम पे उनके पास थी, वो अकेले ऐसे किंग थे जिनने नेवल पोर्ट एस्टेब्लिश किया था। राजकोट फोर्ट और इसके आगे ही यहाँ से दिखता है सिंधुदुर्ग फोर्ट, जो वन ऑफ द फेवरेट फोर्ट था शिवाजी महाराज का, वो एक नेवल शिप के जैसे काम करता था इस अरेबियन ओशन में। और यहाँ पे रिटर्न में लिखा गया है कि कौन से फोर्ट थे छत्रपति शिवाजी महाराज के पास, और ये स्टैचू बहुत सही बनाया गया है, बहुत सही दिख रहा है ये टूवर्ड्स द सन डायरेक्शन कर रहा है, शिवाजी की तलवार टूवर्ड्स द सन डायरेक्शन कर रही है। जैसे हम आगे जाते हैं तो पूरा अरेबियन सी है आगे, पूरा का पूरा अरेबियन सी, और उस टाइम पे ब्रिटिशों का खतरा था, मुगल्स का खतरा था इस तरफ, और बहुत बार हमले किए गए, तब भी शिवाजी महाराज की नेवल फोर्सेस हमेशा तैयार थी लड़ाई के लिए। तो ये नीचे के जो पत्थर है यहाँ के, ये जो है तो ये एज अ डिफेंस काम करते थे, बड़ी बड़ी शिप्स आ नहीं सकती थी यहाँ पे, इसलिए ब्रिटिश इसको बहुत टाइम तक कब्जा नहीं कर पाए। और मतलब उसके बाद तो बहुत ही ख़राब हो गया, ब्रिटिशों ने पूरा फोर्ट तोड़ दिया है, बट ये आज भी हम हमारी हिस्ट्री को प्रिजर्व करना अच्छे से जानते हैं, और हम ज़रूर करेंगे एज अ इंडियन। तो सीधा यहाँ से देखेंगे तो वो दिखता है सिंधुदुर्ग फोर्ट, जहाँ पे हम कल जाने वाले हैं। और उसके अलावा यहाँ के जो पत्थर है वो वॉल्केनिक रॉक्स है, मतलब ये नेचुरली एक डिफेंस का काम ही करते हैं हमारी इस कोस्टल लाइन को सेव करने के लिए। और ये दिख रहा है बहुत नॉर्मल, पर उस टाइम पे ये इलाका बहुत चहल पहल का था, मोस्टली यहाँ फिशरमैन्स मछली पकड़ने वाले लोग रहते थे, और महाराज हमारे तो उनके किंग थे, तो या ये इलाका डिफेंस करना बहुत ज़रूरी था। उस टाइम पे भी नेवी की ज़रूरत थी, और आज के वक्त में भी इंडियन नेवी एक स्ट्रांग नेवी है। तो ऐसे हमारा ये दिन ख़त्म हुआ, और हम वापस चले गए हमारे होटल पे। ब्यूटीफुल सा प्लेस है जहाँ पे हम रुके हैं, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। यहाँ कुछ ऐसे कुछ बना है, ये देखिए, ये टीवी, ये वॉच बहुत अच्छी लगी मुझे, टेबल भी बहुत ही डेकोरेटिव है। तो दिसंबर का मंथ है, तो यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आ गए हैं इस बीच पे। कोकण में बहुत सारे बीच है, मैं तो बोलता हूँ गोवा से भी ज़्यादा बीच तो यहाँ पर है, और मैं भी बीच पे घूम घूम के थक गया है, अभी थोड़ा कुछ और एक्सप्लोर करेंगे। तो जा रहे सिंधुदुर्ग फोर्ट, ये फोर्ट बनाया था छत्रपति शिवाजी महाराज ने, तो नेक्स्ट वीडियो उसका आएगा।